नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीटरों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है धनिया के तीन मुख्य कीट और उसका प्रबंधन। भारत धनिया का मुख्य उत्पादक एवं निर्यातक देश है। धनिया मसालों की उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। इसमें बड़ी संख्या में कीट लगते हैं जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। आज हम बात करेंगे धनिया की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले माहो कीट, सैनिक कीट और सफेद मक्खी कीट एवं उनके प्रबंधन के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं धनिया की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले माहो कीट के बारे में। माहो कीट कोमल टहनियों और पत्तियों की सतह के नीचे हमला करती है जिससे पत्तियां मुड़ने लगती है और पौधे बोने रहते हैं। माहो कीट से पत्तियों पर बूंदों के रूप में शहद शर्करा गिरती है जिससे पत्तियों पर फफूंद का विकास होता है। पत्तियों पर धब्बेदार काले दाग बनते हैं और पौधा सूख जाता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में 10 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति एक एकड़ में लगाएं। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर कीट निवारक जानकारी देख सकते हो। आइए देखते हैं धनिया की फसल को दूसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले सैनिक कीट के बारे में। इल्लिया पौधों को जमीनी स्तर से काटकर नीचे गिरा देता है। गंभीर संक्रमण के दौरान इल्लिया पत्तियों की शाखाओं को भी काट देती है जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। कीट को नियंत्रित करने के लिए 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एक एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई यानी ल्यूर को बदलें। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंत में जानते हैं धनिया की फसल को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला सफेद मक्खी कीट के बारे में। सफेद मक्खी कीट द्वारा पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह से रस चूसने से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है। गंभीर संक्रमण से पत्तियां समय से पहले झड़ने लगती है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में 10 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति एक एकड़ में लगाएं। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।